तो भाइयों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लिथियम मिला है 69 लाख टन उसको देखकर चाइना घबरा गया है, क्योंकि भारत के पास पहले तो कहीं था ही नहीं लिथियम, और जो मिला है वो क्षत्रियों की धरती पर मिला है, और वो ज़मीन सभी क्षत्रियों की है, और वो पूरा गाँव ही सब क्षत्रियों का है। वहाँ पर ज़्यादातर 90 से 95% जो लोग रहते हैं वो सभी ठाकुर क्षत्रिय राजपूत्र और राजा बिरादरी से संबंध रखते हैं। तो मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ कि तुम उनका नाम क्यों नहीं ले रहे, तुम क्यों नहीं बताते कि जम्मू कश्मीर पर पहले क्षत्रियों का राज था और ये कभी गुलाम नहीं रहा, ये हजारों सालों से राज था। सिर्फ जब डोगरा ड्रेस्टी आई थी तब नहीं, उससे पहले भी 22 रियासतें थी जिसमें रियासी एक रियासत थी। तो बहुत तो पहले का इतिहास रहा है, कोई अभी का नहीं है, हजारों सालों से वो गांव बस रहा है। वहां पर आप देखिए कि फोर्ट वगैरह सब कुछ है वहां पर, लेकिन सरकार आपको कभी नहीं बताएगी, ये नहीं बताएगी कि वहां पर पहले महाराजा हरि सिंह का राज था जम्मू कश्मीर में। क्या तुम लिथियम लेने के बदले उनकी मूर्तियां उधर दिल्ली में लगवाओगे, ये बताओ मुझे, लगवाओगे? और क्षत्रियों का जो इतिहास चोरी हो रहा है उसको बचाओगे? नहीं, तुम लिथियम ले लोगे लेकिन क्षत्रियों का नाम तक नहीं लोगे कि ये किनके गांव से लिया गया है। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिथियम निकला है वो क्षत्रियों के गांव से निकला है, ना कि किसी और से।